बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो भैया ठीक है, आप सबकी मिजाज फिट फाट हैं, ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, कल के लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने किया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप हैं, आपने भी यकीनन किया होगा टेस्ट, जो कि टेस्ट था अबाउट एक्टिविटी एंड नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस। ये एक्टिविटी सेंटेंसेस क्या होते हैं, नॉन एक्टिविटी क्या होते हैं, बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया। और मैंने क्यों इसके ऊपर पूरा एक दिन लगाया, वजह ये थी कि देखिए, जब तक हमारी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, हम कभी भी सोच नहीं सकते कि हम एक क्रिएटिव माइंड हो सकते हैं, हम अच्छे अंदाज से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, हम अच्छे अंदाज में चीज़ों को लिख सकते हैं। देखिए, लिखने के लिए तो फिर क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा और चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज से समझना पड़ेगा। अगर हम ये काम नहीं करते, अगर अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक आवर मार्क इन एनी सब्जेक्ट, इन एनी पार्ट, इन एनी फील्ड, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। बिकॉज जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ आगे ही अच्छे अंदाज से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज, और हमारा आज का है जी day 3, जिसके ऊपर हम बड़ी अहम अहम बातों को लेके चलेंगे और डिस्कस करेंगे। आज day 3 में हमने किन किन बातों के ऊपर बातें करनी हैं, आइए मैं आपको एक एक करके ज़रा बताता चलूँ आज का हमारा पॉइंट क्या होगा। थैंक यू जी, चाय लेके आए आप, बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे मौसम में बहुत अच्छी बात, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो day 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दीज थिंग्स जो कि आपके सामने ये रही। नंबर 1, आज क्योंकि हमने एक्टिविटी नॉन एक्टिविटी, अभी नॉन एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, नॉन एक्टिविटी की चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने देखा था, तो अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा जी एक्टिविटी सेंटेंसेस। एक्टिविटी या एक्शन, इसके बारे में बात की जाएगी। हम बात करेंगे जनाब एक्टिव वॉइस के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे जी एक्टिव वॉइस क्या होता है, और फिर उसके बाद इनमें डिफरेंस करते हुए पैसिव वॉइस के ऊपर भी आएंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का जो सेक्शन होगा आज के day 3 के अंदर, हम यहाँ तक ही कवर कर पाएंगे कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और कल के दिन में हम इसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बोला था कि 3 डेज प्लान होगा हमारा, कि जिसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो चले मैं आपको ज़रा पहले बताता चलूँ कि ये एक्टिविटी क्या है, एक्शन जो सेंटेंसेज हैं वो क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं चीज़ों को रिवाइव करना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एक सेंटेंस होता है वो 2 एग्जाम पे मुश्तमिल होता है, दो याद है ना, 2 एग्जाम पे मुश्तमिल होता है, एक किस्म और फिर उसके बाद दूसरी किस्म। एक मैंने आपको बोला था कि जनाब ये आपकी इंग्लिश का 28% कवर करेंगे, और इनको हम नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस या नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, यही पढ़ा था ना हमने। और दूसरी टाइप होती है जिसे हम नाम देते हैं जनाब क्या, एक्टिविटी या एक्शन। ये चीज़ जरा समझना ज़रूरी है हमारे लिए। हमने बात बोली थी कि ऐसे जुमले जिनमें एक्शन या एक्टिविटी नहीं होती, हम ऐसे जुमलों को नाम देते हैं किस चीज़ का, बताइए मुझे। जी हाँ, हम उनको नाम देते हैं कि दे आर एक्चुअली कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस, ठीक है, यानी उनमें हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट होता है, एक्शन वर्ब तो होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तो हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट होता है, ये चीज हमने डिस्कस की। दूसरा है जनाब एक्टिविटी या एक्शन, एक्टिविटी या एक्शन। अब यहां पे बड़े ध्यान से बात को समझिएगा कि ऐसे जुमले जिनके अंदर एक्टिविटी या एक्शन का जिक्र हो, कोई एक्टिविटी हो, ये बात बड़े ध्यान से समझें, जिनमें एक्टिविटी हो, डेफिनेशन है जी कि हम उनको नाम देते हैं टेंसेस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसेस। अगर कोई आपसे पूछे कि टेंसेस की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे जुमले जिनके अंदर एक्टिविटी या एक्शन हो, हम कहते हैं दे आर कॉल्ड टेंसेस। तो टेंसेस की एक छोटी सी डेफिनेशन, बड़ी मासूम सी डेफिनेशन, कि ऐसे जुमले जिनके अंदर एक्शन या एक्टिविटी का इस्तेमाल होगा, दे आर कॉल्ड टेंसेस। क्लियर, ये आपको बात समझ आ गई, कोई इसमें इशू। अब जरा बात को हम आगे बढ़ाते हैं, जरा बात को आगे लेके चलते हैं।
मैं इसको डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक बड़ी ही अहम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करूंगा, और उस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है जनाब वर्ब। वर्ब, वर्ब के बारे में आपने याद रखना है कि जो वर्ब होता है ना, ये दो इकसाम पर मुश्तमिल होता है। ये बात जरा समझ लें। पहली बात तो ये बताए, नाउन क्या होता है? जी मैंने बताया था, नाउन किसे कहा जाता है? नाउन कहा जाता है जनाब ऐसे कोई भी लफ्ज़ जो हमें नज़र आए ना नज़र आए, कोई भी चीज़, लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए, हम कहते हैं वो क्या है? वर्ब है। यही डिस्कशन नाउन है, हमने ये बात की थी ना। तो अब वर्ब के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो जनाब वर्ब की दो टाइप्स हैं। एक टाइप होती है वर्ब की जिसे आप नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक टाइप होती है जिसे आप नाम देते हैं एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और सेकंड वन इज एक्शन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स वो जो कि देखिए, हेल्पिंग वर्ब नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं और दूसरा टेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ नॉन एक्टिविटी हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, कि ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कि जिनको हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, जो कि नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, और दूसरे एक्शन वर्ब्स। अच्छा, चीज़ें क्या कहलाती हैं? जैसे मेरे हाथ में ये देखिए मार्कर है, तो ये क्या है? नाउन है, ऑब्वियस ही बात है। अब चीजों से जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन, और जहां पे एक्शन आ गया वो होगा टेंस। अब देखिए, मैं कहता हूं कि वो सरेहान है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सरेहान के बारे में सिंपल एक बात कर रहा हूँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें कोई एक्टिविटी और एक्शन लाऊंगा, सरेहान पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाना इज व्हाट? दिस इज एन एक्शन, दिस इज एन एक्टिविटी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एक्शन या एक्टिविटी होगी, हम कहते हैं दे आर कॉल्ड टेंसेस, हम उनको टेंसेस का नाम देते हैं। क्लियर? ये बात समझ आ गई? इसमें कोई इशू? जरा ये बात जल्दी से 30 सेकंड में अपने आप को रिवाइव करवाए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। सिर्फ 30 सेकंड्स, मैं जरा तब तक एक दो चाय की चुस्कियां ले लूं। जी दो बातें, टेंसेस क्या हैं और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस, मैंने ये जो बात अभी आपको बताई है। हाँ जी, गुड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जरा पढ़ाओ, आगे लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस में कितने टेंस यूज होते थे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन इस्तेमाल किए जाते थे। अब यही बात जरा समझिएगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस में हमने यूज किया, लेकिन अगली बात कि जो एक्शन वर्ब्स हैं यानी टेंसेस हैं, उनके अंदर भी टेंसेस यही रहेंगे, यानी जमाने यही रहेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अब जरा इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाता चलूं टेंसेस का टाइटल दे के, ताकि आपको चीजों की समझ अच्छे से आ जाए। ये मैं यहां पर टेंसेस का टाइटल दे रहा हूं, तुम आप कितने टेंसेस होते हैं? सवाल ये है, सिंपल सी बात है सर, जमाने कितने हैं? तीन जमाने हैं, पास्ट है, दूसरा क्या है? प्रेजेंट है, तीसरा क्या है? फ्यूचर है। ये तीन जमाने हैं टोटल। कितने जमाने हैं जी? तीन जमाने हैं। और एक बात जरा बड़े ध्यान से समझे, ना कभी पास्ट ने प्रेजेंट को देखा और ना प्रेजेंट ने कभी फ्यूचर को देखा, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन जरा आपको समझाने के लिए, नाम आपके जहन में रहे उसके लिए मैं आपको जरा समझाना चाह रहा हूं। बेटा बात कुछ ये थी कि ये जो तीन जमाने हैं, इन तीन जमानों की आप समझे कि ये इंसान थे, कभी समझाने के लिए बता रहा हूं। और इन्होंने, इन तीन जमानों ने, इंसान है जनाब, जारी सी बात है, शादी भी करेंगे, तो उन्होंने शादी की, ठीक है। अब इन तीन जमानों के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन इनके कॉपरेशन का लेवल चेक करें, कॉपरेशन का लेवल चेक करें, कहानी बता रहा हूं ताकि आपको टेंसेस के नाम याद रहे, लेवल चेक करें कि इनकी शादी हुई और सबकी शादी एक ही वक्त में हुई, एक ही वक्त में, यानी पास्ट की हुई समझें 28 जनवरी को, तो प्रेजेंट की भी 28 को हुई, फ्यूचर की भी 28 को हुई, आपस में इनका ताल्लुक नहीं है। अब इनके यहां जो पहली औलाद हुई, तो औलाद भी जनाब इनकी एक ही वक्त में हुई,
यानी अब अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो उन और प्रेजेंट के यहाँ फ्यूचर के यहाँ तो उन्होंने बैठ के सोचा आपस में मिलते नहीं है ये, यानी अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ने लकीली एक ही नाम रखा अपने पहले बच्चे का और उसका नाम क्या था, इंडेफिनिट। यानी देखिए पास्ट ने भी अपने बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा, प्रेजेंट ने भी अपने बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा, फ्यूचर ने भी अपने बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा जो पहला बच्चा हुआ। इसी तरह दूसरे बच्चे की पैदाइश होती है जनाब, और इस दूसरे बच्चे की पैदाइश में भी ये बैठ के सोचते हैं कि क्या नाम रखा जाए, अपनी अपनी फैमिली में अलग अलग आपस में मिले नहीं हैं। तो उन्होंने फॉर्चुनेटली लकीली दूसरे बच्चे का नाम भी वही रखा जो कि दूसरे ने रखा, यानी प्रेजेंट ने जो नाम रखा तो पास्ट और फ्यूचर ने भी वही नाम रखा, और वो नाम क्या था, दैट वॉज कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट ने भी क्या रखा, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर ने भी क्या रखा, कॉन्टिन्यूस रख दिया। अब देखिए दो बच्चे हैं जी, दो बच्चे हैं पास्ट के, क्या नाम है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट के दो बच्चे हैं, क्या नाम है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के तीन बच्चे हैं, क्या नाम है, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। अब तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई और लकीली जनाब तीसरे बच्चे का भी नाम उन्होंने वही रखा जो कि उन्होंने अपने अपने यानी तीनों ने वही नाम रखा जो कि इन्होंने सोचा। यानी मिसाल के तौर पर क्या नाम, पास्ट ने अपने तीसरे बच्चे का नाम रखा जी, परफेक्ट। प्रेजेंट ने भी अपने तीसरे बच्चे का नाम रखा, परफेक्ट। इसी तरह फ्यूचर ने भी अपने तीसरे बच्चे का नाम रखा, परफेक्ट। क्लियर। वक्त गुजरा, चौथा बच्चा आ गया, और लकीली यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जनाब चौथे बच्चे का नाम भी वही रखा गया, तीनों ने चौथे बच्चे का भी वही नाम रखा जो कि आपस में रखा यानी सोचा गया था। और वो क्या नाम था, वो नाम ये रहा, वो था जनाब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा प्रेजेंट ने क्या रखा होगा, यही नाम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर ने भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। तो जनाब चार बच्चे पैदा हुए प्रेजेंट के घर, चार बच्चे पैदा हुए पास्ट के घर, और चार बच्चे ही पैदा हुए फ्यूचर के घर। तो जनाब चारों बच्चों के अब मुझे बताइए नाम क्या होंगे, फुल नेम क्या होंगे। जैसे मेरा नाम रेहान है, मेरे बाबा का नाम है सरवर, तो मेरा नाम होता है रेहान सरवर। लेकिन इंग्लिश सोसाइटी के अंदर, इंग्लिश सोसाइटीज़ के अंदर ये बात याद रखें क्योंकि टेंसेस इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश सोसाइटीज़ में ये नाम याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि फादर का नाम हमेशा पहले आता है और फिर औलाद का नाम आता है। यानी जैसे शेक्सपियर है तो उसके वालिद का नाम था विलियम्स, तो विलियम्स शेक्सपियर ये एक नाम है। अगर उसी सेंस को देखा जाए तो मुझे बताएं कि पास्ट के चारों बच्चों के नाम क्या होंगे। तो सिंपल सा उसके लिए फॉर्मूला है कि पास्ट के पहले बच्चे का नाम पास्ट पहले आएगा, इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये पूरे नाम जब अपने पास रिमाइंड कर ले। इसी तरह प्रेजेंट के पहले बच्चे का इंडेफिनिट है तो पूरा नाम क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे बच्चे का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरे बच्चे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे बच्चे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के पहले बच्चे का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा इसके लिए इनको याद रखने के लिए नामों को, ये जो मैंने कहानी आपको बताई है सिर्फ नाम को मेमोराइज करने के लिए था क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहते। तो अब मैं आपको ज़रा ये समझाना चाहूँगा, ये जरा मैं मार के रख दूँ, ये पकड़िएगा भाई एक मिनट। तो जनाब पहली बात अब जरा हम समझते हैं कि पांच बच्चे हैं तो पांचों बच्चों के नाम, चारों बच्चों के नाम कैसे होंगे, उसके लिए एक छोटा सा आपके फॉर्मूला है। सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं जी, इस तरह ये अंदाज, जरा मैं अपनी घड़ी को सही कर लूँ। तो सब बच्चे क्या करेंगे कि इस तरह बिल्कुल अपने हाथ को करें, सब बच्चे ऐसे नहीं करना प्लीज़, इस तरह ठीक है, ऐसे करेंगे कुछ और होता है। तो आपने इस तरह करना है, जैसे देखिए जी ये क्या है, प्रेजेंट है, फर्ज कर लेंगे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के चारों बच्चों के नाम बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसी तरह पास्ट,
पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर, फ्यूचर इनडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह हर टेंस के नाम आपके सामने आएंगे और आपके लिए मेमोराइज करना उन्हें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप अच्छे अंदाज से इसको समझ लेंगे। तो ये याद रहेगा आपको कि जो प्रेजेंट है उसके भी चार बच्चे हैं, पास्ट के भी चार हैं और फ्यूचर के भी चार हैं। अब मैंने ये क्यों सारी बातें बताई, वजह ये थी कि जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस थे उनमें तमाम वालदैन वडा वालिद यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उन्होंने कहा जी कि हम खुद आएंगे। खुद आएंगे क्या मतलब, जब पास्ट था तो उसमें कौन सी यूज होते थे, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर और हैड ऐसे यूज होते थे ना। तो जनाब इसी तरह पास्ट के बाद प्रेजेंट के अंदर क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब यूज होते थे, इज एम आर हैज हैव, और फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर यूज होते थे, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, ऐसे ही था ना। तो इस तरह यूज होते थे। अब नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस के अंदर जो वालिद थे वो आए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन जब टेंसेस की बारी आती है तो उनमें वालिद जो थे उन्होंने कहा तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ने कि भाई हम तो पीछे हट रहे हैं बच्चों, अब आपका दौर है। चूंकि टेंसेस मॉडर्न वे है, मॉडर्न जमाना है, तो अब मॉडर्निज्म की तरफ जब जाना है तो बच्चों अब आप संभालो, हमारा रोल जो था वो यहां पर खत्म हुआ इस नॉन एक्टिविटी के अंदर आके। अब चूंकि एक्टिविटी और एक्शन की बात है, हम थोड़े बूढ़े हो चुके, अब आप आइए और संभालिए इस दुनिया को। तो जनाब यहां पर अब टेंसेस जो संभाले गए वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नाम के तो रहे, लेकिन अब काम में बच्चे सामने आए और टोटल टेंसेस कितने हुए, 12 हुए। कितने हुए, 12, 12 टेंसेस हुए। अब मैं जरा टेंसेस वाली बात को दोबारा यहां पे लिखूंगा और आपको अब मैं जब समझाऊंगा तो आपको बड़े अच्छे अंदाज से चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी। टेंसेस की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी बात। तो जनाब हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि टेंसेस की डेफिनेशन ये है कि ऐसे जुमले जिनमें एक्शन या एक्टिविटी की बात की जाती है हम कहते हैं दे आर कॉल्ड टेंसेस, सिंपल सी बात। अब टेंसेस को याद रखें कि हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव कैटेगरी, यानी जिसे एक्टिव वॉइस बोला जाता है, और एक कैटेगरी होती है जिसे हम नाम देते हैं पैसिव कैटेगरी, यानी जिन्हें पैसिव वॉइस बोला जाता है, पैसिव वॉइस बोला जाता है। ये बड़े ध्यान से अब डिफरेंस समझिएगा, ये बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं। और देखिए ये हमारा सेक्शन, मैं इसके ऊपर इतना टाइम आपको दे रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। असाइनमेंट्स मैंने बनाई हैं ताकि आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से समझ सकें, बिकॉज दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, अब एक्टिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो प्लीज याद रखें कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिनके अंदर सब्जेक्ट एक्टिव रोल परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्टिव रोल परफॉर्म करता है, यानी ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट का आना मस्ट होता है उन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट मस्ट हो और स्टार्ट में आए हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमेशा यही फोकस आपने रखना है कि जितने भी एक्टिव वॉइस होंगे उनमें हमेशा सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। आपने इस बात को नहीं भूलना, याद रखिएगा प्लीज, SVO स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर अगर वर्ब ना भी हो ये बात मैंने गलत कह दी, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तो बात चल जाएगी दे आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तो बात चल जाएगी। अच्छा, हर टेंस में, हर सेंटेंस में जनाब वर्ब का होना मस्ट होता है। वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस ना बन सके तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और अगर इसी तरह मैं बात को आगे बढ़ाऊं,
बात को आगे लेके चलता हूं। जो पैसिव वॉइस होते हैं उनके अंदर एक चीज का होना मस्ट होता है, और वो चीज क्या होती है जी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जनाब वो सेंटेंस में नहीं होगा, ये बात याद रखें। यहां पे मैंने ये बात अभी आपको बोली कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब के साथ होना मस्ट होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात समझे। जो पैसिव वॉइस होते हैं उनके अंदर जो फॉर्मूला किया जाता है फॉलो, वो ओ वी एस है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब और एंड पे सब्जेक्ट आएगा। तो आप यहां पे बात को जरा बड़े ध्यान से समझिएगा कि जनाब जो वर्ब तो मस्ट है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अगर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल यहां पे देता चलूं ताकि आप इसको अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये बात जरा समझे, मैं कहता हूं जनाब अली ईट्स एन एप्पल, अली ईट्स एन एप्पल। अब यहां पे अली क्या है? अली इज अ सब्जेक्ट हियर, ईट्स इज अ वर्ब हियर, एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है ना। अब इसके अंदर जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से अली को हटा देता हूं तो ईट्स एन एप्पल क्या ये सेंस देगा? ये मैं हटा रहा हूं, मुझे बताइए क्या ये सेंस दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा। ईट्स एन एप्पल, एक सेब खाता है, कौन कौन खाता है? देखिए सेंटेंस नामुकम्मल है, ये तो मुकम्मल ही नहीं है। जब मुकम्मल नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसी तरह ये बात माइंड में रखिएगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट है। अब ऑब्जेक्ट अगर मैं हटा दूं, ये लर जी मैं इसे ऐसे कहता हूं अली ईट्स, अली खाता है, तो बस ठीक है, जबरदस्त, अली खाता है, बात कंप्लीट हो रही है। तो बात क्या है कि ऐसे जुमले जिनके अंदर वर्ब के साथ सब्जेक्ट होना मस्ट हो और सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस ना बनता हो, हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और इसी तरह पैसिव वॉइस की भी मिसाल आपके सामने मैं दिए देता हूं। मैं कहता हूं जनाब एन एप्पल इज ईटन बाय अली, एन एप्पल इज ईटन बाय अली। अब यहां पे बड़े ध्यान से बात को समझिएगा जनाब, यहां पे एन एप्पल क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। इज ईटन क्या है? ये एक वर्ब है। बाय अली क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट से निकला, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, कोई शय है जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जनाब ये बात जरा बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इसमें एन एप्पल को हटा दूं तो आप सेंटेंस को पढ़ें, बनता है इज ईटन बाय अली। क्या ईटन बाय अली? नहीं पता, नहीं पता चल रहा क्या ईटन बाय अली। तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। अच्छा, अगर मैं यहां से बाय अली हटा दूं तो एन एप्पल इज ईटन, सेब खाया जाता है, बस ठीक है, बात खत्म हो गई, सेब खाया जाता है, बात समझ आ रही है। तो बात क्या है कि जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, सब्जेक्ट हो या ना हो इससे हमें को फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखें। एक और बात पैसिव वॉइस के लिए याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा, ये तो बात अभी आगे आएगी लेकिन मैं बताता चलूं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी मैंने आपको ये नहीं बता रहा कि हर टेंस की पहचान क्या है, क्या है व्हाटएवर, अभी मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहा, ना मैं अभी करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको इनका बेसिक डिफरेंस समझाना चाहता हूं। हम स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा गलतियां कर लेते हैं इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने में कि मैं क्या बताऊं आपको। अगर हम इसकी गलती को ठीक कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि हम बड़े अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमको एक्टिव और पैसिव के बेसिक डिफरेंस का पता हो कि एक्टिव और पैसिव के बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। अब इसके साथ साथ मैं इस बात को भी आगे लेके जाना चाहूँगा कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं और पैसिव वॉइस होते हैं, इन दोनों के दरमियान अगर एक स्टूडेंट डिफरेंस करना सीख जाता है, समझ जाता है, तो यकीन कीजिए कि उसके लिए सेंटेंसेस के 40% यानी टेंसेस को करने के लिए 40% जो मुश्किलात हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और उसके लिए भी मैंने आपके पास 2 से 3 असाइनमेंट्स बनाई हैं जिसके लिए यकीनन आपके पास 25 से 30 मिनट्स का टाइम है। मैं आपको अभी इधर वो असाइनमेंट लगा के देता हूँ फिजिकल स्टूडेंट्स को, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके पास लिंक आएगा,
उस लिंक के ज़रिए से वो उस टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे जो कि तकरीबन 25 से 30 मिनट्स का और यहीं पे होगा। मैं चाह रहा हूँ कि जनाब इसको बेसिक को मैं 100% वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दूँ। 3 दिन में ख़त्म करना है, यकीनन हमने इस सेक्शन को कवर करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सेक्शन को कवर करूँ। तो आपका 25 से 30 मिनट्स का जो टेस्ट है वो अभी शुरू होगा और आपको जितने इशूज़ हैं वो सारे के सारे आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर पॉज करवा रहा हूँ फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वो अपने टेस्ट को करें। टेस्ट को करने के बाद जो भी क्यूरीज आपकी आएंगी आप वो क्यूरीज मेरे साथ डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन में, फिजिकल स्टूडेंट तो अभी मुझसे पूछेंगे साथ साथ, तो मैं उनको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। तो आपकी जो क्यूरीज ऑनलाइन खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स वो जब करेंगे तो उसमें वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछेंगे सर ये मसले आ रहे हैं हमें बताएं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप उस तरीके के ज़रिए से करेंगे। तो मैं अभी फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए वो टेस्ट को स्टार्ट करवाता हूँ जो कि 30 मिनट का तकरीबन टेस्ट होगा। आपका भी टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है 30 मिनट का, उसको देखें और साथ साथ मुझसे पूछें जितने भी इशूज़ हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को भी पॉज किया जा रहा है फिजिकल स्टूडेंट के लिए टेस्ट यहाँ पर, भाई क्यों यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, वीडियो नहीं चला रहा क्योंकि यहाँ पर सही नज़र नहीं आता, तो वो मैंने कैमरा की क्वालिटी भी देखी थी साथ, और जो मर्ज़ी आप कर लें प्रोजेक्टर में वो नज़र नहीं आ सकता, तो इसलिए फिर हमने क्या किया हुआ है कि उतनी देर वीडियो को पॉज किया जाएगा और फिर उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन स्टूडेंट उसको अटैम्प्ट करेंगे और फिजिकल स्टूडेंट इधर अटैम्प्ट करेंगे। तो चलें अब 30 मिनट के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, टाइम शुरू। जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस 30 मिनट्स में बड़े अच्छे अंदाज से चीज़ों को सॉल्व किया होगा और फिजिकल स्टूडेंट्स आपकी तो सारी क्यूरीज इंशाल्लाह कवर हो गई होंगी। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो सेक्शन है उसके लिए क्या। मैं एक बात आपको बताता चलूं बेटा, PRC 1 के अंदर बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है। वो क्या किया जाता है कि बच्चों को सिर्फ चीज़ों को रटा दिया जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं चीज़ों को देख लो, बार बार देख लो, इन्हीं में से पेपर आ जाएगा। बच्चे की क्रिएटिविटी मुकम्मल तौर पर स्पॉइल कर दी जाती है। मैं ऐसा नहीं हूँ, चाहे 12 दिन हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे के, असाइनमेंट्स बार बार करवा के, चीज़ें बार बार करवा के आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से करवाऊंगा। और ये मैंने काम ऐसे ही करना है, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं को रटे लगवा दूंगा आपको कि देखो जी यही है जादू है ये वो, तो ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी बच्चे के साथ किसी तरह की भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे को क्रिएटिव होना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को क्रिएटिव होना ही पड़ेगा। अगर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर नहीं आता तो यकीन कीजिए वो बच्चा स्पॉयल है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा स्पॉयल हो लिया बच्चों। प्लीज़ अब ये अपने साथ जुल्म ना होने दीजिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, ताकि आप अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पे PRC 1 जिसमें इंग्लिश है और हर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश के अंदर है, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर है, आपका फ्यूचर इंग्लिश के अंदर है। सॉरी टू से, आप कहें कि चाहिए जी ज़ुबान हमारी नहीं है वट एवर, तो भाई हमने मेहनत नहीं की, उन्होंने की, इसलिए हम पे राज कर रहे हैं। आप मेहनत करें ताकि एक वक्त आए कि वो आपकी ज़ुबान सीखें ना कि आप, और उसके लिए यकीनन आप नहीं होंगे, आपकी जनरेशन होगी अगर अब से मेहनत शुरू करेंगे, पता नहीं दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन होगी कि जब ऐसा वक्त आएगा, और वक्त तो उसमें है लेकिन आप तब नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इसके ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए मेरे से रिवीजन सेशन के अंदर भी मैं आपको ज़्यादा लिखवाया करूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया करूँगा ताकि आप अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर कर पाएँ, जैसे आज हमने प्रैक्टिस की है। इसी तरह ये प्रैक्टिस चलती चली जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आज की क्लास आपको बड़े अच्छे अंदाज से समझ आई, आपने चीज़ों को अच्छे अंदाज से समझा, अंडरस्टैंड किया और बहुत अच्छे अंदाज से पिक करने की कोशिश की। इंशाल्लाह कल हम अपने इस टेंस के सेक्शन को, बेसिक ग्रामर के सेक्शन को 100% ख़त्म करेंगे और उससे मतलब कि ना असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स फिर आपको साथ दी जाएंगी और उसके साथ हम इंशाल्लाह यहाँ से अपने इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।